रुक जाओ चल। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था टेस्टिस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम लोग जो है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या इसको हम जो है एसेसरी, एसेसरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। थर्ड हम पढ़ेंगे अडक्ट सिस्टम, अडक्ट सिस्टम, एंड फोर्थ पढ़ेंगे कॉपुलेटरी ऑर्गन दैट इज लेंस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एसेसरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो जरा इस फिगर से आप ध्यान से देखिए, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पर इस फिगर से, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर से बाहर की तरफ एक पाइपलाइन ले जाएंगे ऐसे, ठीक है, और इस पाइपलाइन को क्या बोलेंगे हम, यूरेथ्रा बोलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम स्क्रॉटम बनाएंगे, स्क्रॉटम में क्या बनाएंगे हम, टेस्टिस बनाएंगे, और टेस्टिस के ऊपर ऐसा घुमा हुआ स्ट्रक्चर क्या है, एपिडिडाइमिस है, ठीक है। एपिडिडाइमिस से होता हुआ जो पाइपलाइन हमारा बाहर निकलेगा, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, वॉस डिफरेंस, और वॉस डिफरेंस जाकर क्या है आगे की साइड, ठीक है, यूरेथ्रा से मैच करता है, मिलता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट पीछे जो ग्लैंड होगा ना, ठीक है, थर्ड ग्लैंड होगा, इसको हम बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है। दूसरी बात, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट फ्रंट पे सामने पे एक चेस्ट नट साइड जो स्ट्रक्चर होगा, इसको हम नाम देंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है ना। एंड बेस ऑफ द पेनिस, पेनिस का जो बेस होगा, मान लीजिए यहां से पेनिस का ओरिजिन हो रहा है, पेनिस के बेस पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा इसको हम नाम देंगे क्या, काउपर, काउपर और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, व्हाट कॉल्ड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है बच्चे। तो ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, टॉपिक होगा हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन और एसेसरी सेक्सुअल, ठीक है। तो इसमें हमें तीन पढ़ने हैं, ठीक है, पहला क्या पढ़ना होगा हमें, सेमाइनल वेसिकल्स। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको रेड कलर से स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर, ये आपका कहलाता है सेमाइनल वेसिकल्स, क्या कहलाता है, सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जो सेमाइनल वेसिकल्स है, ठीक है, इससे जो फ्लूइड सीक्रेट होता है इसको हम नाम देते हैं सेमाइनल, क्या नाम देते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स से जो फ्लूइड सीक्रेट होगा, ठीक है, इसे हम नाम देंगे सेमाइनल फ्लूइड्स, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, सेमाइनल फ्लूइड्स में क्या क्या होता है, सो फर्स्ट होता है, ठीक है, फ्रक्टोज, क्या होता है, फ्रक्टोज, स्पेशली फ्रक्टोज में जो है मोनोसैकेराइड्स होते हैं, ग्लूकोज के क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं। नेक्स्ट होता है पीजीएस, पीजीएस बोले तो प्रोस्टाग्लैंडिन कंपोनेंट्स, प्रोस्टाग्लैंडिन कंपोनेंट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्या होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर्स का काम आप समझिए, जो ही स्पर्म इजेकुलेट होता है, ठीक है, तो इजेकुलेशन के जस्ट बाद जो है स्पर्म जो वो क्लॉट कर जाता है, ठीक है, और जब वो फीमेल वेजाइनल ट्रैक में एंट्री करता है तो वहां पर कुछ एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स रिस्पांसिबल होते हैं जो सीमेन को क्या कर देते हैं, फिर से डाइल्यूट कर देते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सीमेन को क्लॉट करने की क्यों जरूरत पड़ी, एक्चुअल में सीमेन को क्लॉट करने के लिए इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जो स्पर्म की मोटिलिटी या वायबिलिटी है क्या थोड़ी सी घट जाए, क्योंकि स्पर्म अगर सीमेन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा तो स्पर्म भी क्या है बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट होंगे, तो उनकी शक्ति, उनका जो एनर्जी क्या होगा, कम होगा, तो तुरंत इजेकुलेशन के जस्ट बाद क्या है,
ये क्या करता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो कि सेमाइनल फ्लूइड्स में पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, सीमेंट को क्या कर देते हैं, क्लॉट करने का काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर होता है साइट्रिक एसिड, क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है, और ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, फ्रक्टोज और साइट्रिक एसिड बोथ, स्पेसिफिक फ्रक्टोज में अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, ग्लूकोज के मोनोसैकेराइड्स, और साइट्रिक एसिड, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, स्पर्म जो है या स्पर्मेटोजोआ जो है उसको न्यूट्रिशन देते हैं, क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, फ्रक्टोज और साइट्रिक एसिड्स के ही कारण स्पर्म के अंदर जो है, ठीक है, एटीपीज का फॉर्मेशन होगा, और एटीपीज के कारण क्या, स्पर्म बहुत ज्यादा क्या होंगे, मोटाइल होंगे, उनमें एनर्जी आएगी, ठीक है। जबकि दूसरी बात समझिएगा, PGS प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स और प्लस साइट्रिक एसिड, ये दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, ये फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में जो सर्विक्स रीजन होता है, ध्यान दीजिए यहां पर, जैसे सपोज दैट मैं यहां पर ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ध्यान दीजिए ऐसे मैंने बनाया, मान लीजिए ये है वेजाइनल ट्रैक्ट, वेजाइनल ट्रैक्ट, इसे में मैंने मान लिया क्या है, सर्विक्स, ठीक है, और ये यूट्रस का बॉडी पार्ट होगा सपोज, ठीक है, और ये क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा फंक्शन इसका, एक्चुअल में जो साइट्रिक एसिड और प्रोस्टाग्लैंडिंस होंगे इनका वर्क क्या होगा, जो ही स्पर्म सीमेन के साथ जाएगा, जो ही ये प्रोस्टाग्लैंडिंस और साइट्रिक एसिड फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट से सर्विक्स में एंट्री करेंगे, तो यहां पर पार्शियल मूवमेंट होगा, पार्शियल टाइप का पेरिस्टाइसिस मूवमेंट होगा, जो स्पर्म को क्या है, अंदर की तरफ पुश करके कहां ले जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब तक ले जाने का काम करेंगे, ठीक है। तो अगला फंक्शन मैंने आपको क्या बताया, कि जो प्रोस्टाग्लैंडिंस और साइट्रिक एसिड है ये क्या करते हैं, फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में, ठीक है, फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो स्मूथ मसल्स होंगे उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेंगे, जिससे क्या है, स्पर्म इजी वे में फ्लोट करता हुआ कहां तक पहुंचे, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाए, ठीक है। तो अभी जरा ध्यान दीजिएगा, जो सेमाइनल फ्लूइड है इसके यहाँ पर कुछ फंक्शन आपको दिख रहे हैं, पहला क्या, सेमाइनल फ्लूइड जो है वो क्या करेगा, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। दूसरा फंक्शन मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स होते हैं जो फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज करते हैं, जिससे कि इजी वे में स्पर्म क्या है वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच सके। तीसरा सेमाइनल फ्लूइड का वर्क होता है, ये स्पर्म को बहुत ज्यादा टाइम तक क्या है, लिविंग रखेगा, और उसकी मोर्टेलिटी की और भी ज्यादा क्या है, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ये स्पर्म के अंदर जो एनर्जी है उसको क्या है, लॉस होने से बचाते हैं। और साथ ही साथ इस फ्लूड का एक और भी फंक्शन होगा, ठीक है, ये एक फ्लूड है, फ्लूडिंग मीडियम, एक्चुअल में पूरे सीमेन का ये 60% होता है, पूरे सीमेन की अगर बात करोगे सीमेन में, ठीक है, तो सीमेन में 60% क्या होता है, सेमाइनल फ्लूड होता है, ठीक है। लगभग 25% जो है वो प्रोस्टेट फ्लूड होता है, और लगभग 5% में क्या होता है, कॉपर फ्लूड, और 10% स्पर्म होता है, यानी समझिएगा 100% सीमेन में केवल 10% ही स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ होता है, और 90% क्या होता है, 90% में से 60% सेमाइनल फ्लूड होगा, 25% क्या होगा, प्रोस्टेट फ्लूड होगा, और नियर अबाउट 5% तक काउपर या बल्बोवित्र फ्लूड होगा, अभी हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको जो बताया ये था आपका सेमाइनल फ्लूड, ठीक है, जो कहां से सीक्रेट होता है, सेमाइनल वेसिकल से, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आपका ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट, अच्छा मैंने आपको बताया सेमाइनल जो वेसिकल्स है ये कहां होता है, जस्ट बिहाइंड द कहां, कहां पर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर भी जस्ट पीछे होता है, मतलब ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये यूरिनरी ब्लैडर का पिछला हिस्सा है, ये आप देख रहे हो ये सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट फ्रंट पे सामने पे जो एक चेस्ट नट लाइक स्ट्रक्चर या डोनट लाइक साइज स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। जरा ध्यान दीजिएगा, सेमाइनल वेसिकल्स पेयर में दो होते हैं, सॉरी वन पेयर होता है, साथ ही साथ काउपर भी क्या है, वन पेयर होते हैं, जबकि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है वो सिंगल, ये भी याद रखिएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, सिंगल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और प्रोस्टेट ग्लैंड से जिस फ्लूइड का सेक्रेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोस्टेट फ्लूइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट फ्लूइड बोलते हैं। पूरे सीमन का कितना होता है, नियर अबाउट 25% तक होता है, ठीक है। आइए जानते हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहला होता है साइट्रिक एसिड,
क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा और ह्यूमन वजाइनल ट्रैक में क्या है मोटिलिटी पास करेगा, ठीक है। साथ ही साथ इसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, क्या होते हैं एंजाइम्स होते हैं, जैसे नाम देखा जाए एसिड फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज। एक बात और, जो सेमाइनल फ्लूइड था एक्चुअल में वो एल्कलाइन होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, कंपेयर अगर करें ध्यान दीजिए कंपेयर करें तो सेमाइनल फ्लूइड जो होगा ये एल्केलाइन होगा, देखिएगा क्या होगा एल्केलाइन। प्रोस्टेट फ्लूइड जो होता है ये एसिडिक होता है, कैसा होता है एसिडिक। और जो कॉपर फ्लूइड है, ये कॉपर ग्लैंड है, यहां पे मैंने इरेज कर दिया, कॉपर ग्लैंड, ये क्या होता है ये एल्केलाइन होता है, क्या होता है एल्केलाइन। तो ध्यान दीजिएगा सेमाइनल फ्लूइड क्या होगा एल्केलाइन, प्रोस्टेट फ्लूइड एसिडिक और कॉपर फ्लूइड एल्केलाइन। अच्छा ओवरऑल, ओवरऑल अगर हम सीमेंट का पीएच देखें कितना होता है, तो ओवरऑल सीमेंट का पीएच जो है वो लगभग 7.4 तक होता है। सीमेंट कैसा होता है, सीमेंट जो है वो एल्केलाइन होता है, क्यों, क्योंकि सेमाइनल फ्लूइड क्या है ज्यादा अमाउंट में और सेमाइनल फ्लूइड एल्केलाइन है, प्लस साथ साथ क्या है कॉपर फ्लूइड भी एल्केलाइन है, इसलिए जो ओवरऑल सीमेंट क्या होता है वो एल्केलाइन होता है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया प्रोस्टेट फ्लूइड जो कि कैसा होता है एसिडिक होता है, कैसा होता है एसिडिक नेचर का होता है, इसमें साइक्लिक एसिड होगा प्लस एंजाइम्स में जरा ध्यान दीजिएगा एसिड फॉस्फेटेज है, अमाइलेज, एसिड फॉस्फेटेज अमाइलेज, पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन है, लाइसोजाइम है, और एक और भी इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसको बोलते हैं या ल्यूरो निडेज एंजाइम, नाम आपने सुना या ल्यूरो निडेज एंजाइम, ठीक है, जो एक मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, एक्रोसोम, एक्रोसोमल रीजन से सीक्रेट होता है ना स्पर्म के। तो जरा ध्यान दीजिएगा प्रोस्टेट फ्लूइड में क्या क्या है, साइट्रिक एसिड है जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, प्लस एंजाइम्स में एसिड फॉस्फेटेज है, अमाइलेज है, पेप्सिनोजेन है, लाइसोजाइम एंटी बैक्टीरियल होता है, बचपन में पढ़ा होगा लाइसोजाइम टीयर्स में भी होते हैं, सलाइवा में भी होता है, तो लाइसोजाइम क्या है एंटी बैक्टीरियल होगा, प्लस यागिरो डिजेंट डिजाइन होगा, ठीक है। एक और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमेशा याद रखिएगा आपके प्रोस्टेट फ्लूइड में, जिसका नाम है सेमाइनल प्लाज्मिन, सेमाइनल प्लाज्मिन, एक्चुअल में ये सेमाइनल फ्लूइड में भी है और थोड़ा बहुत क्या है प्रोस्टेट फ्लूइड में, ये एंटी बैक्टीरियल होता है, क्या होता है एंटी बैक्टीरियल, यानी जब तक सीमेन फीमेल वेजाइनल ट्रैक तक पहुंच नहीं जाता है इसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि ये स्पर्म को किसी भी टाइप के बैक्टीरिया से क्या करता है बचाने का काम करता है, क्या नाम है इसका सेमाइनल प्लाज्मिन, जो कि सेमाइनल फ्लूइड में इसका अमाउंट ज्यादा होता है, इसमें भी थोड़ा बहुत ही पाया जाता है, ठीक है। सेमाइनल प्लाज्मिन जो कि एंटी बैक्टीरियल होता है, और जब तक स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक ना पहुंच जाए तब तक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते रहता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बता दिया प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर से देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोस्टेट फ्लूइड सीक्रेट होगा, वर्क क्या है प्रोस्टेट फ्लूइड जो एसिडिक नेचर का होता है, साथ ही साथ अगला वर्क क्या है इसका ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ इसके अंदर कुछ एंजाइम्स हैं, ठीक है, जो मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और एक मीडियम प्रोवाइड करेगा जिससे क्या है स्पर्म आपका इजी वे में मूव करके वजाइनल ट्रैक पर जाए, और साथ ही साथ स्पर्म के मोटिलिटी के लिए वायबिलिटी के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल। क्लियर है, तो ये हमने क्या जान लिया प्रोस्टेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेमाइनल कॉपर फ्लूइड या इसको हम कहते हैं कॉपर फ्लूइड, किससे सीक्रेट होगा कॉपर ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड या इसको एक और भी नाम से जानते हैं हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो जरा ध्यान दीजिएगा कॉपर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से जो फ्लूइड सीक्रेट होगा उसको हम क्या बोलते हैं कॉपर फ्लूइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं कॉपर फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। कॉपर फ्लूइड जो है एक विस्कस फ्लूइड है, ठीक है, जिसका मेन वर्क क्या होता है स्पर्म को जो है, ठीक है, एसिडिक मीडियम से बचाना। एक्चुअल में क्या है ना स्पर्म जब रिलीज हो रहा है तो मेल वेजाइनल मेल का जो यूरेथ्रा उसमें भी यूरिन थोड़ा बहुत होगा वो भी एसिडिक मीडियम होगा, और जब स्पर्म फ्लोट करता हुआ कहां जाएगा फीमेल वेजाइनल ट्रैक में जाएगा, वहां भी क्या होगा एसिडिक मीडियम होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा प्रोस्टेट फ्लूइड में एक और भी कंपोनेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं कार्बोनेट आयंस, ये भी याद रखिएगा। कार्बोनेट आयंस भी क्या करते हैं स्पर्म को एसिडिक नेचर से क्या करते हैं
बचाते हैं। साथ ही साथ जो कॉपर क्रूड है, कॉपर क्रूड में भी ठीक है कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो इस फॉर्म को क्या करते हैं, एसिडिटी बचाते हैं। लेकिन जो कॉपर क्रूड है इसका मेन काम होता है ल्यूब्रिकेशन। क्या वर्क होता है इसका? ल्यूब्रिकेशन, यानी कि ये एक एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेशन वर्क प्ले करते हैं, ठीक है। और कह सकते हो कि इंटरकोर्स के टाइम में जो है इजेकुलेशन के पहले, ठीक है ना, इजेकुलेशन के पहले जो है ये मेल यूरेथ्रा से क्या है सीक्रेट होंगे और पूरे के पूरे फीमेल वजाइनल ट्रैक को क्या है ल्यूब्रिकेट करेंगे, ठीक है, जिससे कि ऑर्गेन्स में या इंटरकोर्स जो है वो इजी वे में होता है, ठीक है। तो कॉपर क्रूड का मेन वर्क होता है ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना। साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स होते हैं जो इस स्पर्म को क्या कर सकता है ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड